हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई क्रैक में। मैं चंदन कुमार, आज हम सेल के से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल को देख चुके हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, और सेकंड सेमेस्टर सेमेस्टर में डीसी जनरेटर को भी देख रहे हैं। ठीक, अब हम सेल के बारे में देखेंगे, सेल से संबंधित सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, और आप इसका नोट्स बना लें ताकि आने वाले एग्जामों में आपके लिए हेल्पफुल हो। हम एक क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था। ठीक, यानी ये पूछ रहा है कि सबसे पहले किस सेल का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन है हमारा, डेनियल सेल, लेकलांची सेल, वोल्टेइक सेल, शुष्क सेल। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, वोल्टेइक सेल। ठीक, अब देखिए वोल्टेइक सेल सबसे इसकी खोज सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। सब को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 5 से 7 क्वेश्चनों को इसी प्रश्न के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले किसने इसका आविष्कार किया? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया। ठीक, किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा? ठीक, अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, आता है क्वेश्चन के इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं वोल्टेइक सेल में? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है, उसके बाद अब आता प्रश्न आता है कि एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए इसमें एनोड के रूप में हम लोग जस्ता का प्रयोग करते हैं, और कैथोड के रूप में तांबा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। और एक चीज़ और, इसका विद्युत वाहक बल पूछा जाता है। विद्युत वाहक बल जो होता है, इसकी वोल्टेज सेल की विद्युत वाहक बल 1.08, नोट कर लें, 1.08 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? देखिए हमने अभी तुरंत देखा कि वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08। ठीक, तो हम इससे समझ चुके हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ठीक है, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो देखिए ऑप्शन है हमारा, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। ठीक, कॉपर सल्फेट, यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, इसमें कैथोड के रूप में क्या है? कैथोड के रूप में तांबा का प्रयोग करते हैं, एनोड के रूप में जस्ता का उपयोग करते हैं। ठीक, इसका EMF जो होता है 1.1 वोल्ट होता है। ठीक, क्या होता है? EMF 1.1 वोल्ट होता है, और आंतरिक प्रतिरोध इसका पूछा जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा इसका? इसका आंतरिक प्रतिरोध 2.6 ओम होता है। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 2.6 ओम। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने देखा, आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो आपका हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है ना, लंबा होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? ठीक है, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? देखिए ऑप्शन है हमारा, वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लेकलांची सेल, किसी का नहीं। देखिए शुष्क जो सेल होता है वो हमारा लेकलांची सेल का ही संशोधित रूप होता है, यानी कि शुष्क सेल और लेकलांची सेल की बनावट लगभग समान होती है। ठीक, इसीलिए इसका संशोधित रूप कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लेकलांची सेल होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, लेकलांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? ठीक, तो कह रहा है कि लेकलांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीज डाई, दूसरा है कॉपर सल्फेट, तीसरा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, और चौथा है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। ठीक, तो लेकलांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब देखिए लेकलांची सेल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में
अमोनिया क्लोराइड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि कैथोड के रूप में, देखिए लेकलांची सेल में कैथोड के रूप में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? कार्बन का उपयोग करते हैं, और एनोड के रूप में जस्ता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आप चीज़ को समझेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि लेकलांची सेल में विध्रुवक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए लेकलांची सेल में विध्रुवक के रूप में हमेशा याद रखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है MnO2। ठीक, इस चीज़ को नोट करेंगे, हर एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिए ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, अब देखिए इसका EMF जो होता है, लेकलांची सेल का EMF क्या होता है? 1.46, ठीक है, वोल्ट। 1.46 क्या होता है? लेकलांची सेल का EMF होता है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम होता है। क्या होता है? 1 से 5 ओम होता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और इसमें है, एक चीज़ ये है कि देखिए इसमें क्वेश्चन और आता है कि ध्रुव छादन किसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए ध्रुव छादन का मतलब ये होता है कि लेकलांची सेल में ध्रुव छादन दोष है, इसमें ये होता है कि इसके पॉजिटिव पॉजिटिव जो सिरे होते हैं उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन के आयन जो होते हैं घेर लेते हैं। ठीक, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव छादन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में बटन सेल किसे कहा जाता है? ठीक है, कह रहा है कि निम्न में बटन सेल किसे कहते हैं? देखिए बटन सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा लेकलांची सेल, मरकरी सेल, वोल्टेइक सेल, लेड एसिड सेल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि बटन सेल के रूप में हम लोग मरकरी सेल को जानते हैं। ठीक, यानी मरकरी सेल को ही बटन सेल कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि कैथोड के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और एनोड के रूप में जस्ता का उपयोग किया जाता है। किसमें? तो बटन सेल यानी मर्क्यूरिक सेल में। ठीक है, मर्करी सेल में। ठीक है, अब देखिए अभी समझे हम लोग क्या कैथोड के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का और एनोड के रूप में जस्ता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी जो EMF होती है 1.35 से कितना होता है? 1.4 तक होता है। ठीक, इसकी जो व्यास होती है यानी 4 mm का होता है। कितना होता है? 4 mm का। और ऊंचाई क्या होती है? 2.5 mm का होता है। ठीक, और इसका उपयोग कलाई घड़ी में, कैलकुलेटर में, यानी छोटे उपकरण जो होते हैं, आप लोग बैटरी वगैरह देख रहे हो, कलाई घड़ी छोटी सी बैटरी होती है, उसी को हम लोग मरकरी सेल बोलते हैं या बटन सेल बोलते हैं, बटन सेल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है? ठीक, क्या है? सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है? देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF ऑप्शन है आपका 0.5, 2.5, 1.5, 2.02। ठीक है, तो देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF जो होता है आपका 1.5 वोल्ट होता है। ठीक, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है? 1.5 वोल्ट। ठीक, और यह जो होती है मरकरी सेल की जैसी ही होती है। ठीक है, क्या है? इसकी जो बनावट होती है मरकरी सेल की जैसी होती है। ठीक, और इसकी जो EMF होती है 1.5 वोल्ट होती है, अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? देखिए प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल सबसे पहले हम समझते हैं। प्राथमिक सेल का मतलब ये होता है कि जिसे एक बार चार्ज करने के बाद वो दोबारा चार्ज ना हो, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल का मतलब होता है जिसे एक बार चार्ज करने के बाद यदि वो फिर पुनः डिस्चार्ज हो जाए तो फिर हम उसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी द्वितीयक सेल की जो EMF होती है हमेशा प्राथमिक सेल से अधिक होती है और क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? ठीक, ऑप्शन है हमारा कम होता है, बराबर होता है, अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमने आपको बताया कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल की जो विद्युत वाहक बल क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा क्षारीय सेल है? ठीक, तो ऑप्शन है आपका निकेल कैडमियम सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, लेकलांची सेल। ठीक, तो देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं क्षारीय का मतलब ये होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाए और क्षारीय अवस्था में हो।
ठीक है, क्या हो, क्षारीय अवस्था में। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, निकल कैडमियम सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, लेकलांची सेल। तो देखिए ये जो निकल कैडमियम सेल है ये द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। क्या होता है, द्वितीयक सेल का। अब बाकी जो ये डेनियल सेल है, लेकलांची सेल है, वोल्टेइक सेल है, ये प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, तो क्षारीय सेल हमारा कौन सा होता है, निकल सेल होता है, यानी द्वितीयक सेल। ठीक है, चलिए यार नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन है हमारा घटता है, ठीक, दूसरा है बढ़ता है, तीसरा है कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, अनंत हो जाता है। ठीक है, देखिए कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्या होता है, घटता है, क्योंकि जो कैडमियम धातु जो होती है एक अच्छी चालक होती है, और जिसका अच्छा चालक होता है उसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। ठीक, तो इससे आप समझ कर घटता है। ठीक है, कैडमियम अच्छा चालक होता है इसलिए इसकी आंतरिक प्रतिरोध घटती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चार्जिंग क्या है। ऑप्शन है किसी सेल को लोड के साथ जोड़ना, किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से संजोड़ना, किसी सेल को किस सफाई करना, उपयुक्त सभी। देखिए चार्जिंग का मतलब ये होता है किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है, केवल एसी स्रोत, केवल डीसी स्रोत, एसी और डीसी दोनों। तो देखिए बैटरी चार्जिंग के लिए आप लोग जानते हैं कि किसकी आवश्यकता होती है, तो केवल डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। देखिए हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है 2.6 ओम। कितना होता है, 2.6 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की जरूरत होती है। ठीक, ऑप्शन है लेड एसिड सेल, वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल। ठीक, तो देखिए पॉकेट कैलकुलेटर्स में हम लोग अभी देखें कि बटन सेल, जिसको हम लोग मरकरी सेल भी बोलते हैं, ठीक, इसमें होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट